वेरी हैवी. सो अभी मुझे वो इमरान यही बता रहे थे कि कैसे इनका एवरी थिंग दैट दे यूज़ इज़ ओरिजिनल, कुछ भी सिंथेटिक फैब्रिक नहीं है, जरी इज़ रियल जरी एंड प्योर जरी, और जो काम है बहुत ही खूबसूरत है. आई थिंक दिस सो मच डिटेल इन एवरी थिंग वट एवर दैट आई हैव सीन यहाँ पर, बहुत अच्छा काम है. लाइक आपको समझ आता है कि क्वालिटी ऑफ वर्क क्या है. सो दैट इज़ gorgeous, and then he told me ki everything can be custom made. Yes, yes. Like whatever you want to customize. So I think that's lovely. And bridal everywhere. Bridal season is coming, and I think sabse zyada jo demand hoti hai, I think Indian wear mein is during the bridal season. So this is the perfect time to open the store. Congratulations. Thank you so much. Congratulations. ऐसे तो बहुत है पसंदीदा मेरे designers. I think बहुत designers हैं जो अब वापस से जो एक ट्रेडिशनल इंडियन काम है, जो हमारी प्रिंट्स हैं, आई थिंक उसको फिर से बहुत ज़्यादा अब सराहना मिल रही है. बहुत ज़्यादा हम उसको वापस से लेकर आ रहे हैं फैशन, मेन स्ट्रीम फैशन में एंड कुट्यूर फैशन में. सो मुझे तो ये बहुत ज़्यादा पसंद है. आई लव इंडियन क्लोथ्स, और मुझे लगता है कि एक इंडियन लड़की के ऊपर जितना खूबसूरत जो काम है, जो हमारे कलर्स हैं स्पेशली इंडिया के, जो बहुत ही लाइक जो एक अर्थ कलर्स होते हैं, वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट करते हैं इंडियन स्किन को. सो आई फील एवरीथिंग इंडियन इज़ जस्ट ब्यूटिफुल. तो ये तो ऑफ कोर्स इज ब्राइडल, सो इट्स इवन मोर. आई लव इट. पहनने वाली हो मुझे पता नहीं, मैं ढूंढूंगी कब मैं पहन सकती हूँ, बट आई हैव ऑलरेडी लाइक समथिंग इन पिंक हियर, जो कि बहुत ही फन है. टिपिकल ब्राइडल कलर नहीं है, लेकिन उसका वर्क इज प्रीटी फंकी. यहाँ पर है, हम उसको थोड़ी देर में आपको दिखाएंगे, बट इट्स ब्यूटिफुल. मुझे बहुत पसंद आया. हमारे लिए अगर यूनिक आप देखेंगे तो वी आर इनटू हैंडमेड थिंग. सो कोई भी हम जो प्योर वर्क होता है, जो हमारा आप कोई भी आप लहंगा देंगे देखेंगे, एक जो उसमें फैब्रिक भी हम यूज़ करते हैं, वो फैब्रिक भी हैंडमेड फैब्रिक होता है, हैंड वीव फैब्रिक जिसको बोलते हैं आप, प्योर फैब्रिक. उसके बाद उस पर जो एक एक छोटी छोटी डिटेल होती है, लाइक किस तरह से हम हाथ से ही खाका भी बनाते हैं, उसको पंच करके, उसको छाप के, फिर वैसा सेम वर्क जो जिस तरह से हम लेके आते हैं, आप जो क्वालिटी हमारे वर्क में देखेंगे वो आपको कहीं और नहीं मिला. इट्स अ वेरी फाइन वर्क. अगर प्राइस रेंज पे जाएंगे आप तो इट्स नॉट अबाउट कि हम एक ब्राइड को एक लहंगे के लिए 5-10-20 लाख रुपए चार्ज करते हैं. हमारा आइडिया ही यही है कि हर वो सिटी में जो लोग टू बी ब्राइड है, उनको हम वो स्पेशल फील कराएं, बिकॉज वी थिंक के जो दूल्हा और दुल्हन होते हैं वो राजा और रानी की तरह होते हैं. बिकॉज अगर हम शादी में जाते हैं तो जस्ट बिकॉज ऑफ द ग्रूम एंड ब्राइड, सो उनको वैसा ट्रीट करने के लिए हम ये लहंगे को भी वैसे ही ट्रीट करते हैं. और ये शादी का शॉपिंग एक शॉपिंग नहीं होता, इट्स ए एक्सपीरियंस. तो वो एक्सपीरियंस को हम थोड़ा इन्हेंस करते हैं ताकि उनको और थोड़ा शादी में और मज़ा ऐड हो जाए, वैल्यू ऐड हो जाए उनकी शादी में. जो मुझे पसंद आया इसमें कि ये टिपिकल रेड कलर नहीं है, इवन दो ब्राइडल है, बट चॉकलेट ब्राउन लाइक बहुत ही डिफरेंट कलर है. यूजली होते नहीं है लहंगाज इन चॉकलेट ब्राउन, बट आई थिंक जस्ट एडिंग लाइक अ लिटिल बिट ऑफ रेड टू इट. एंड द जरी वर्क इज़ ऑल्सो नॉट वेरी ब्राइट, क्योंकि मुझे भी थोड़ा सा विंटेज ज़्यादा पसंद है. सटल एंड विंटेज लुक इज़ व्हाट आई रियली लाइक. सो आई थिंक वो उसका कॉम्बिनेशन वॉज वेरी प्रिटी. सो या इवन दो आई एम वेयरिंग इट डे टाइम में, फिर भी आई थिंक इट लुक्स लवली. एस्थेटिक एंड एंशिएंट लुक दे रहा है. या इट्स वेरी मतलब ओल्ड टाइम ट्रेडिशनल विंटेज ऐसा, लाइक दैट्स द फील. सो आई रियली लाइक दैट अबाउट दिस. एंड बेसिकली अपनी स्पेशलिटी यही है, बेसिक अपन क्या है कि इसी पर्टिकुलर वर्क को किसी भी कलर पे, किसी भी कॉम्बिनेशन पे, किसी भी तरह से अपन सेटल करके वर्कआउट कर सकते हैं. एक माइंड सेटअप है लोगों का कि लाइक अगर ये ब्राइड है तो इसको रेड ही पहनना है, रेड ही वो प्रॉपर ब्राइड दिखनी चाहिए. बट इट्स नॉट अबाउट कलर, इट्स नॉट अबाउट थिंग. ब्राइड ब्राइड होती है, उसको आप और भी कई तरीके से देख सकते हैं, बस नज़रिया होता. तो हम उसको एक ट्राई कर रहे हैं कि कुछ अलग तरीके से उसको प्रेजेंट करें. तो हमारे पास येल्लो है, ब्लू है, काफ़ी अर्दी कलर्स है, हमने सारे कलर्स पर प्ले किया है. अभी हम आपको सारे कलेक्शन दिखाएंगे. हमारा जो ब्रांड है, जिस ब्रांड को हम जिस ऑडियंस को देखते हैं, चित्रांगदा इज़ परफेक्ट फॉर दैट ऑडियंस. यानी परफेक्ट फेस है, इसलिए हमने ये सोचा कि नहीं, शी इज़ द परफेक्ट. हमने काफ़ी इनको ट्रैक करा, काफ़ी लंबे टाइम से ट्रैक कर रहे हैं, देन आज इनका डेट मिला है और हमने इनके डेट के अकॉर्डिंग आज अपना ओपनिंग रखा है. हमारे रॉयल लुक ऑफ गारमेंट्स के लिए एक रॉयल आदमी चाहिए था. शी इज़ द रॉयल. इसके अलावा फ्यूचर प्लान्स क्या है, कहाँ का स्टोर खोलना है, किस तरह से इसको एक्सपांड करना है आपको, ये आपको उदय भाई बताएंगे अच्छे से. बेसिकली इन द नेक्स्ट 6 months वी हैव प्लान्स टू ओपन काला घोरा एज वेल एज वन इन दुबई. Rest will come in the due course, but 6 months के अंदर we'll be planning the same. Project cost as per the size, area, market सबके ऊपर depend करता है, but we'll just definitely come up with a big one and a good one.
काला घोरे में अगर कोई भी जाता है, कोई भी डिज़ाइनर, तो ऑटोमेटिकली वहाँ पे बहुत सारे बड़े और भी डिज़ाइनर्स हैं, उनको टेक केयर करते हुए और हमारी अपनी स्टेटस को देखते हुए अपने उसको प्लेस करेंगे। एंड वील डेफिनेटली लुक फॉरवर्ड टू चित्रकांत अगेन दैट शी कम्स डाउन अगेन विद अस एंड ओपन द सेम स्टोर देयर ऑल्सो। Bright pink. That's our specialty. Anytime the color you select, the work we do, and it'll be done. My favorite color is yellow, and I can see a lot of yellow here, जो कि usually मिलता नहीं है for bridal wear, you know. So बहुत ही खूबसूरत है. Velvet is actually something जो again नहीं मिलता है usually for bridal wear. So मुझे बहुत पसंद आया. It's right behind me there. That's my favorite. बहुत खुश हैं सब लोग. I think it's very important for the business, और ये बहुत बड़ी hope है to bring the audiences back. एक वो जो celebration होती है around festival time, I think वो एक time फिर से शुरू हुआ है. And for us Indians, मुझे लगता है कि cinema हमारी film में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे लिए, जो कहीं ना कहीं वो कनेक्शन बिकॉज ऑफ कोविड ब्रेक हो गया. सो आई एम सो हैप्पी एंड आई थिंक जवान विल गिव अस सो मच मोर टू सेलिब्रेट. सो या बहुत अच्छे लग रहे हैं. इट इज़ फुल मसाला, लाइक एग्जैक्टली व्हाट अ बॉलीवुड पॉट बॉयलर फिल्म शुड बी. एंड बट आई थिंक बहुत ही क्लासिली किया है, बहुत ही डिफरेंट है. द विजुअल्स आर वेरी एंड शाहरुख खान.